अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, वतन वापस पहुंचते ही आइलैंडर्स ने आंखें फेर ली। दोस्तों, जिसकी वजह से टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान आमद पर भी शको शुबहात पैदा हो गए। दोस्तों, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सदर शामी सिल्वा का कहना है कि टीम दौरे पाकिस्तान के दौरान होटल में मुकीम रही। दोस्तों, और आज़ादाना घूमने फिरने का कोई मौका नहीं था। दोस्तों, वीडियो में मज़ीद डिस्कशन करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जैन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे यूट्यूब चैनल जैन टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायज़ा लेने के बाद पाकिस्तान का दौरा करने वाली श्रीलंकन टीम की पाकिस्तान में बड़ी प्रीजाई हुई। दोस्तों, वनडे सीरीज 2-0 से हारने के बाद T20 में क्लीन स्वीप करने वाली मेहमान टीम का कदम कदम पर PCB हकाम और अवाम ने शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, टूर मुकम्मल होने पर मेज़बान खिलाड़ियों ने मेहमानों को गले लगाकर रुखसत किया। दोस्तों, ताहम वतन वापस पहुंचकर आइलैंडर का लबो लाजा ही तब्दील हो गया। दोस्तों, निजी खबर रसाई अदारे एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सदर शामी सिल्वा ने मुकामी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि टीम अपने टूर के दौरान होटल में मुकीम रही। दोस्तों, आज़ादाना घूमने फिरने का कोई मौका ना था। दोस्तों, पाकिस्तान में मैचेस के दौरान खिलाड़ी अपने बीवी बच्चों के बगैर रहे। दोस्तों, मैं खुद भी 3-4 रोज तक खिलाड़ियों के साथ रहा। दोस्तों, इस हालात के बावजूद प्लेयर्स एक टीम के तौर पर खेले और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कॉमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल जैन TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे YouTube चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें।